हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं, तो मैं आया हूँ आज फिर से एक नया व्लॉग वीडियो लेकर। दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूँ अपने करेला के खेत की तरफ। आज खेत में ही आके बैठा हूँ, तो मैंने सोचा आज फिर यहीं पे एक व्लॉग वीडियो बनाया जाए। तो डेली गाइस, अब मैं एक व्लॉग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैंने बंद कर दिया था व्लॉग वीडियो बनाना। शॉर्ट वीडियो में कभी कभी बना के अपलोड कर देता था और व्लॉग वीडियो नहीं बनाता था, तो अब मैं डेली व्लॉग वीडियो बना के अपलोड करूँगा और शॉर्ट वीडियो बना के भी अपलोड करूँगा। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने खेत में ही बैठा हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कल मैं कहाँ तक भरा था और मेरे पापा ने कहाँ तक भरा था, कितनी भराई हो चुकी है करेला की, कितनी नहीं हुई है, कितनी करने जा रहे हैं। तो अभी आपको सब कुछ दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देखो गाइस, इधर भर चुका है हमारा करेला, वहाँ तक देखो दो मेड़ी तक दिख रही है, वहाँ तक हमने भरा था, मेरे पापा ने भरा था। तो आपको दिखा रहा हूँ आगे चल के मैं खाद कितनी लेकर आया हूँ भरने के लिए, आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कितनी खाद लाया हूँ। अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये इसमें रखी हुई है झोले में, तो मैं इसको उठा के इधर रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो दिख रही है आपको, ये इसमें आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ गाइस, मैं ये देख सकते हैं आप गाइस, ये देख सकते हैं आप गाइस, इसके अंदर खाद रखी ब्लैक कलर की, आपको दिख रही होगी, ये देखो दिख रही है ना, ये देखो इसको देखो। अभी पापा आएंगे तो मेड़ के मतलब यहाँ पे करेला के साइड साइड में डालेंगे, तो फिर उसके ऊपर से जैसे ये हम लोगों ने चढ़ाया था, इधर देखो ये इधर पूरे में अच्छे इधर पूरे में चढ़ाया था ना, ये देखो उस तरह इधर भी चढ़ाएंगे। मेरे पापा नहीं आए हैं तो पापा ही डालेंगे, नहीं तो फिर अभी मेरे पापा नहीं आए हैं, जब मेरे पापा आ जाएंगे तो साइड साइड डालेंगे, क्योंकि मैं नहीं डाल पाता हूँ, कहीं कम ज़्यादा हो जाए तो पेड़ ख़राब हो जाता है, यही लिए मैं अभी फड़वा भी ढूंढ रहा था वहाँ पे जहाँ रखा रहता था, मेरी भैंस बांध जाती है वहाँ फड़वा भी रखा रहता था, वहाँ फड़वा भी नहीं है। तो अभी मैं जाता हूँ वो मशीन पर, आपको दिखाया था ना कल, वो उधर मशीन है, वो दिख रही है आपको छोटा सा कमरा, वहाँ पे देखता हूँ वहाँ पे शायद ना रख दिए हों, तो अभी जाके मैं देखता हूँ, इसको यहीं पे रख दूँगा खाद, और जाके देखूँगा फड़वा ढूँढ के लाऊँगा, फिर मेरे पापा आएंगे सब में डाल देंगे, तो हम लोग ऊपर से चढ़ा देंगे। तो गाइस, हम लोग चलते हैं फड़वा लाने, अभी चलते हैं हम लोग। ये देखो तार बांधी है ना गाइस, इधर ये तार बांधी, तो इसके नीचे से निकलना पड़ता है, क्योंकि तार नहीं बांधी रहेगी तो इधर गाय वाय बहुत आती है ना, तो इसके अंदर चली जाती है, सब पूरा खेत ख़राब कर देती हैं, नील गाय जैसे होती है जंगली जानवर, सब इसके अंदर चले जाते हैं तो पूरा ख़राब कर देते हैं, यही लिए तार बांध के रखी। इधर देखो आपको पूरा खेत दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा है ना, ये देख सकते हैं आप। अब चल रहे हैं हम लोग इधर, इधर देख तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरे पूरा दादा का करेला, मेरे दादा का करेला है, ये देखो यहाँ से इधर वहाँ तक, इधर देखो ये हमारा धान लगा, ये बराह से पानी धान में जाता है, देखो दो पाइप लगी है, इधर से आता है पाइप से बिछ के, इधर हमारा करेला है, इधर देखोगा इसी, ये देखो ये भाई है ना, इसमें तीतुल पकड़ रखा है, ये देखो एक तीतुल इसका खो गया, देखो ये इसमें एक तीतुल है, ये ले जा के लड़ाया करते हैं, कहीं जहाँ तीतुल लोग का मेला लगता है ना वहीं ले जाते हैं, वहीं लड़ाते हैं, ये देखो देखो उसमें बैठा हुआ है जाली में जिसमें रखा हुआ, इधर देखो। सो गाइस, कल हमारी तरफ, कल जब मैं यहाँ से भराई करके गया था तो हमारी तरफ बहुत तेज़ बारिश, मतलब मैं यहाँ से भराई करके सीधा नहा खा के फिर चला गया था हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कम से कम डेढ़ दो घंटे खूब तेज़ी से बारिश हुई। इधर भी हमारे गांव की तरफ भी बारिश हुई, क्योंकि हमारे खेतों में पानी भरा हुआ, वहां भी करेले में पानी भरा हुआ, इधर देखो ये देखो इसमें का पानी सूख गया, देखो गीला गीला दिख रहा है ना, इधर कल हमारी तरफ बहुत तेज़ बारिश हुई है गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, खूब मज़ा आया। ये देखो आपको कटहर दिखाया था ना, मैंने कल दिखाया था ना आपको कटहर, ये देखो
ये देखो, आओ चलो गिनते हैं कितने कटा है इसमें। वैसे ये दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कटर लगे दिख रहे हैं। और ये एक ऊपर लगा हुआ है, 10 10 उधर दो लगे हुए हैं, वो साइड में 12। देखो गाइस कितने बड़े बड़े कटार लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, है ना बड़े बड़े। इधर धान भी लगा हुआ है दादा का, इधर देखो, ये देखो, ये पाइप रखा हुआ है जिसमें से बिछा के हम लोग लगाते हैं अपने खेतों में पाइप पानी। आपको मशीन दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देख सकते हैं, अब इसके नीचे कुआँ है गाइस, देखो बहुत ही गहरा कुआँ है, ये देखो डर लगती है बहुत, मैं नहीं जाऊँगा। इधर चलते हैं तो ये देखो टंकी, इसमें टंकी बनी हुई है, इसी में से देखो हम लोग सब लोग पानी लगाया करते हैं। इधर भी दादा ने भी, ये वाले दादा ने भी करेला वो रखा है, ये देखो दिख रहा है ना आपको, धान भी लगा रखा है। हाँ तो गाइस मैं इधर देखो, इधर मेरा फड़वा यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो फड़वा मिल चुका है, इधर से निकालता हूँ मैं अपना फड़वा, ये देखो ये फड़वा मिल चुका है। अब चलते हैं अपने खेत की तरफ, फिर पापा के पास फोन लगाएंगे, पापा आएंगे तो फिर चारों तरफ खाद डाल देंगे तो हम भराई कर देंगे, फिर चले जाएंगे फिर अपने हॉस्पिटल वहीं पे, फिर आएंगे शाम को, आपको सब कुछ दिखाता हूँ। ऐसे देखो फड़वा लेकर चल रहा हूँ मैं, पीछे भी मशीन आपको दिखाया था वो मशीन है, तो अभी चल रहे हैं हम लोग। सो फाइनली गाइस मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मैं देखो पसीने से भीग चुका हूँ और मुझे भराई करते वक्त फरवा बहुत तेज़ से लग चुका है, खून बहुत बह रहा है दोस्तों। अब मैं जा रहा हूँ घर, देखो पसीने में भी नहा चुका हूँ, अभी दिखा रहा हूँ आपको कितना फरवा लगा है मुझे। ये देखो गाइस मेरा पैर पूरा कट चुका है, मैं जा रहा हूँ इसमें पट्टी कराने, बहुत ज़्यादा लग चुका है गाइस, बहुत ज़्यादा फरवा लग चुका है गाइस। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, यहाँ से जाऊँगा सीधा, नहाऊँगा खाऊँगा चला जाऊँगा हॉस्पिटल, तो उसके बाद यहाँ इसमें पट्टी कराऊँगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग चुका है, खून बह रहा है मेरा, तो अभी मिलते हैं आपको। सो गाइस मैं नहा धो के खा पी के अब जा रहा हूँ हॉस्पिटल, जो मेरे वो फावा लग गया था ना उसमें पट्टी कराऊंगा, जा रहा हूँ हॉस्पिटल अब वहाँ से शाम को आऊँगा। तो गाइस हम लोग ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स जरूर बताना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।